आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड ना यहाँ पर हमें बताना है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा मैमल मेटाथीरियन है मैमल्स की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें मेरे तीन ग्रुप्स में इन्हें डिवाइड किया गया है तो इनमें से सबसे पहला ग्रुप हमारे पास होता है प्रोटोथीरिया जिसको हम मोनोट्रेमेटा भी कहते हैं और इसमें हम कुछ टाइप के मैमल्स को प्लेस करते हैं तो प्लेटिप और इसके मेंबर्स हो जाते हैं और इनमें कुछ ऐसे फीचर्स देखे जाते हैं जो जनरली हमें दूसरे मैमल्स में नहीं मिलते जैसे कि ये एग्स ले करते जबकि बाकी सारे मैमल्स होंगे डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देंगे दूसरा ग्रुप हमारे पास आ जाता है मेटाथीरिया जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया और इसमें हम सभी मार्सुपियल मैमल्स को प्लेस कर देते हैं मार्सुपियल इन्हें है इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो फीमेल होती है उसकी बॉडी में मार्सुपियम नाम का एक पाउच होता है जिसमें वो यंग मंस को नरिश करके और प्रोटेक्ट करके रखते हैं और कैंगरू हमारे पास मार्सुपियल मैमल्स का या मेटाथीरियन मैमल्स का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है फिर तीसरा जो ग्रुप होता है उसको हम यूथ बोलते हैं और इसमें हमने प्लेस किया हुआ है अपने बाकी के सारे मैमल्स को जिन्हें प्लेसेंटल मैमल्स हम कहते हैं तो हमें जो लास्ट में ये दो ऑप्शंस दिए हुए हैं श्रू और पेंगोलिन ये दोनों हमारे प्लेसेंटल मैमल्स के ग्रुप में या यूथ में आ जाएंगे तो यहाँ पर हमें मेटाथीरियन या मार्सुपियल मैमल बनाना था तो गिवन ऑप्शन में से अकिडना हमारा प्रोटोथ हो गया श्रू और पेंगोलिन हमारे पास यू हो गए या प्लेसेंटल मैमल हो गए तो मेटाथीरियन या मार्सुपियल हमारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी क्लास कैंग से लेके नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स कवर हो आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर